हाँ जी, तो अभी हमारा क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन? डिस्कस इन डिटेल द मीनिंग, स्कोप, ऑब्जेक्ट और पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। तो देखो, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, लिटिगेशन होता है वाद, पब्लिक मतलब लोग, इंटरेस्ट मतलब हित। अब नाम से ही पता चल रहा है कि पब्लिक का जिसमें इंटरेस्ट होगा वो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन होगा, ठीक है। जो 20th जो सेंचुरी थी उसकी यह एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जो कि जो जनता है उसको स्पीडी जस्टिस दिलवाना, ये इसका काम है, ठीक है। आर्टिकल कौन सा आर्टिकल है जिसके अंदर फ्री लीगल एड का कॉन्सेप्ट दिया गया हमें कॉन्स्टिट्यूशन में? 39A, ठीक है। 29A नहीं, 39A, 39A का, गलती नहीं ना, पेपर में गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। 39A है, पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, स्टार लगा लो केस के ऊपर, लिख के आना है पेपर में अगर ये क्वेश्चन आ जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि जो रूल ऑफ लॉ है, आर्टिकल 14 पढ़ के आए हो ना, रूल ऑफ लॉ कहते हैं कि रूल ऑफ लॉ जो है वो सिर्फ जो संपन्न वर्ग है उनके हितों की रक्षा नहीं करता है, अपितु जो कमजोर वर्ग के लोग हैं सो समाज के अंदर उनको भी क्या है, इक्वल जस्टिस जो है वो प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का अर्थ क्या होता है? तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का अर्थ होता है कि ऐसा सूट या फिर ऐसी जुडिशियल प्रोसीडिंग, ऐसा सूट या ऐसी कोई जुडिशियल प्रोसीडिंग जिसके अंदर जनता का एक बड़ा वर्ग हो, उसका इंटरेस्ट जो हो वेस्टेड हो, जिसका इंटरेस्ट हो उसके अंदर। कुल मिला के बात यह है कि एक ही बात बोला है कि ऐसा मामला जो पब्लिक इंटरेस्ट से जुड़ा हुआ होगा वो कौन सा मामला होगा, पब्लिक इंटरेस्ट से रिलेटेड जो जुड़ा हुआ मामला होगा वो आपकी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन होगी, लोक हितवाद जिसको बोलेंगे, ठीक है। अभी जो पूर्व न्यायाधीश कृष्ण अय्यर जी हैं सुप्रीम कोर्ट के, जो पुराने न्यायाधीश थे कृष्ण अय्यर जी, उन्होंने भी क्या बोला कि जो विक्टिम है या फिर जो एग्रीव्ड पर्सन है उसके कोर्ट में जाने की जो कोर्ट में जाने की जा सकने की जो धारणा थी वो अब समाप्त हो गई थी। पहले क्या था कि पहले यही था कि जिस पर्सन का नुकसान हुआ है, जो पीड़ित है या फिर जो एग्रीव्ड पर्सन है, वही क्या है कोर्ट में जाके दस्तक दे सकता है। लेकिन अभी क्या बोला कि उसके स्थान पर अब कोई भी वर्क, कोई भी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ला सकता है, कोई भी रिप्रेजेंटेटिव सूट आदि ने वहां पे उसकी जगह ले ली है। अब कोई भी व्यक्ति जो किसी पब्लिक इंटरेस्ट से जुड़ा हो तो उसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए कोर्ट के अंदर जा सकता है, क्लियर। मतलब पब्लिक इंटरेस्ट जो पब्लिक से जुड़ा हुआ है, मुझे अब एक बात बताओ, मान लो आप मेरे घर के ऊपर, पीयू जी आप मेरे घर के ऊपर किराए पे रहते हैं, अब आप पब्लिक इंटरेस्ट का सूट ला सकते हैं क्या मेरे ऊपर? नहीं ला सकते, क्योंकि इसके अंदर मेरा प्राइवेट इंटरेस्ट छुपा हुआ है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट के मामले जो होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर देखो, आपके और मेरे बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ठीक है, अब कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर दिया तो क्या मेरे पास पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का सूट ले आओगे क्या? नहीं लेके आ सकते। जिसके अंदर आपका पर्सनल इंटरेस्ट होता है उनके ऊपर क्या है, आप पब्लिक इंटरेस्ट जो है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के जो सूट्स हैं वो नहीं लेके आ सकते हो। एग्जांपल के तौर पे आप गंगा का पानी है, गंगा का पानी हर कोई यूज करता है, बताओ जनसाधारण के लिए यूज होता है कि नहीं होता है? अब अगर गंगा का पानी गंदा होगा तो उसको बचाने के लिए अगर उनके उनमें जो इंटरेस्ट रखने वाले जो पर्सन हैं अगर उनके द्वारा सूट लाया जाता है तो वो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन होगा कि नहीं होगा? होगा। एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस था जिसके अंदर गंगा के पानी को जो दूषित होने से बचाया गया था। नेक्स्ट, ताजमहल हमारी धरोहर है कि नहीं है? अब उसके सौंदर्य की रक्षा करना हमारी लाइबिलिटी है कि नहीं है? ताजमहल के लिए जनसाधारण का व्यापक उसमें इंटरेस्ट है कि नहीं है? ठीक है, तो ताजमहल के सौंदर्य को बचाने के लिए भी क्या है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का जो सूट है वो लाया जा सकता है। एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में भी ये बात की गई थी।
एमसी मेहता के केसेस ये हैं। एनवायरमेंटल लॉ से अगर पढ़ोगे तो एनवायरमेंटल लॉ में भी एमसी मेहता के केसेस हैं। ताजमहल के पानी वाला एमसी मेहता का केस है। ताजमहल और गंगा, सॉरी, ताजमहल के सौंदर्य की रक्षा करना एमसी मेहता का केस है। गंगा के पानी को मतलब प्रोटेक्ट करना, वो भी एमसी मेहता का केस है। ठीक है, एसपी गुप्ता का केस देखो। जजेस के ट्रांसफर्स को एडवोकेट्स द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 226 में चुनौती दी जा सकती है, क्योंकि फ्रीडम ऑफ जुडिशरी में सबका इंटरेस्ट होता है कि नहीं होता है बताइए। फ्रीडम ऑफ जुडिशरी, न्यायपालिका की स्वतंत्रता में सबका हित है कि नहीं है, है ना। फिर देखो, अगर मान लो अगर जल को प्रदूषण होने से बचाना है, प्रदूषित होने से बचाना है, तो उसके लिए भी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन लाई जा सकती है कि नहीं ला सकती है। देखिए, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए बंधुआ मजदूरी, ठीक है, मिनिमम जो आपकी वेजेस है, श्रमिकों की जो न्यूनतम मजदूरी होती है, बाल शोषण हो गया, ठीक है, न्याय, नारी उत्पीड़न हो गया, पुलिस की यातनाएं हो गई, दलित पिछड़े वर्ग हो गए, परिवार की पेंशन हो गई, वॉयलेंस से जो इफेक्टेड जो विक्टिम है पर्संस हैं, नारी निकेतनों की दुर्दशा हो गई, या कारागृह के अंदर जो शोषण हो रहे हैं उनके साथ में जो उत्पीड़न होता है, तो ऐसे जो केसेस होते हैं उनके लिए पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो है लाई जा सकती है। किस किस को इंक्लूड नहीं किया गया है? सरकार के अगेंस्ट अगर कोई प्राइवेट शिकायतें कर रहे हो, किराएदार और भूस्वामी के बीच का कोई डिस्प्यूट है, सेवा या नौकरी का कोई डिस्प्यूट है, शिक्षण संस्थानों में अगर एडमिशन लेना है उसका कोई डिस्प्यूट है, तो क्या है वो आप कोर्ट के अंदर नहीं लेके आ सकते हो। एक चीज और देखो, जनता दल वर्सेज एचएस चौधरी का केस था। इसके अंदर क्या बोला कि अगर मान लो पॉलिटिकल से कोई केस है ना जुड़ा हुआ, तो वो भी क्या है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के अंदर नहीं आएगा। ठीक है, तो तीन चीजें आपने पढ़ी। तीन चीजें क्या क्या? एक तो पब्लिक इंटरेस्ट से जुड़े होने चाहिए, प्राइवेट इंटरेस्ट से नहीं जुड़ा होना चाहिए, और तीसरा क्या है आपका, राजनीति जो पॉलिटिकल है उससे भी कनेक्टेड जो है नहीं होने चाहिए। तो जब ये ऐसे मामले होंगे तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन आएगी कि नहीं आएगी? आप देखिए, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो है उसका ऑब्जेक्ट क्या? तो ऑब्जेक्ट तो हम कितनी बार पढ़ चुके हैं, कमजोर वर्ग के लोगों को न्याय दिलवाना, जो वीकर सेक्शन है, वीकर सेक्शन को इक्वल जस्टिस प्रोवाइड करवाना ही क्या है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का मेन ऑब्जेक्ट है। क्लियर कि नहीं क्लियर? पीएन भगवती जी की एक न्याय लाइन थी, न्यायमूर्ति पीएन भगवती जी की, न्याय अब केवल संपन्न व्यक्तियों की बपोती नहीं है, कि मतलब जो न्याय है वो केवल जो संपन्न व्यक्ति है उनको ही नहीं मिलता, न्यायालय के जो मंदिर है वो सभी के लिए खुले हुए हैं। समझ रहे हो? अगर पेपर के अंदर डायरेक्ट एग्जामिनर ये ना पूछ के आपसे कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन होता है, ये नहीं पूछेगा आपसे, अगर डायरेक्टली ये पूछ ले कि न्याय अब केवल संपन्न व्यक्तियों की बपोती नहीं है, एक्सप्लेन करो, तो भी यही क्वेश्चन करके आना है। क्लियर? अब इसकी जुरिडिक्शन पे बात करते हैं। तो जुरिडिक्शन में क्या, जुरिडिक्शन को दो टाइप से डिवाइड कर दो, एक तो सब्जेक्ट मैटर से, एक लोकस स्टैंडाई। लोकस स्टैंडाई जो है ना, कंफ्यूज मत होना, अधिकारिता को बोला जाता है। पेपर के अंदर अकेला लोकस स्टैंडाई भी पूछा जा सकता है। तो क्या बोलते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर ऐसे मामले आते हैं, कौन कौन से मामले आएंगे फटाफट बताओ, जो तीन बातें मैंने आपको बताई हैं फटाफट बताओ। बिल्कुल, जो कि पब्लिक, हाँ, बिल्कुल, पब्लिक इंटरेस्ट से जुड़े हो, प्राइवेट इंटरेस्ट से जुड़े नहीं होने चाहिए, और क्या है पॉलिटिक्स से जुड़े नहीं हो। क्लियर हो जाएगा? जुरिडिक्शन क्या, अधिकारिता की बात करते हैं, लोकस स्टैंडाई का मतलब क्या, तो ये क्लियर हो चुका है कि पब्लिक इंटरेस्ट से जुड़े हुए मामले में किसी भी व्यक्ति को या फिर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कोर्ट में उठाया जा सकता है। ये आवश्यक नहीं है कि जो विक्टिम है या जो एग्रीव्ड पर्सन है वो भी कोर्ट में आए।
पहले 226 आर्टिकल किसके लिए है? कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 226 किसके बारे में बात करता है? हाँ, ज्यूरिडिक्शन ऑफ रिट। किसकी ज्यूरिडिक्शन? रिट की। किसकी ज्यूरिडिक्शन? हाई कोर्ट की। ठीक है, तो क्या बोलते हैं कि जिसके भी लीगल राइट्स का वॉयलेशन हुआ है वो कोर्ट में जाके क्या है भाई, कोर्ट में जाके रिट जारी करके उनको क्या है इन्फोर्स करा सकता है। लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है ना अब बदल चुका है। कोर्ट क्या कहते, अब क्या कहते हैं कि कोई भी समाज का कोई भी व्यक्ति, कोई भी यूनियन, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन किसी ऐसे व्यक्ति को या किसी ऐसे वर्ग को जिसके लीगल राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए कोर्ट में दस्तक दे सकता है, जो अपनी गरीबी के कारण, निर्धनता के कारण, पॉवर्टी के कारण क्या है कोर्ट में पहुंचने के लिए असमर्थ है। ठीक है, इसके लिए जरूरी क्या है कि ऐसा जो मामला है वो पब्लिक इंटरेस्ट से जुड़ा होना चाहिए। प्रशांत कुमार वर्सेस बेरा का केस था, पब्लिक इंटरेस्ट का जो वाद है केवल पीड़ित पक्षकार के द्वारा ही प्रस्तुत किया जा सकता है। अब आपके केस देखो, बंधुआ मुक्ति मोर्चा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, पीपुल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, सुनील बन्ना वर्सेस दिल्ली प्रशासन के जो केस थे, इनमें क्या है कि इन्होंने पत्र या समाचार पत्रों की जो कतरन होती है इसको भी रिट मान के क्या है जो प्रोसीडिंग है वो की है। कुल मिला के बाद देखो, सीधी सी बात है, आपको इसके अंदर एक तो पीपल्स वाला केस याद रखना है, एमसी मेहता का केस याद रखना है, एसपी गुप्ता का केस नाम याद रखना है, ठीक है, कृष्ण अय्यर जो हमारे न्यायमूर्ति हैं उनका नाम याद रखना है, पीएन भगवती जी का नाम याद रखना है, ठीक है, और एक आपको बंधुआ मुक्ति मोर्चा और सुनील बन्ना का जो केस है ये आपको इम्पोर्टेंट है। जब फर्स्ट क्वेश्चन आएगा तो ये 5 से 6 केस मुझे पहले पेपर में मिलने चाहिए आपके, फर्स्ट क्वेश्चन में हो जाएगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पब्लिक इंटरेस्ट और प्राइवेट इंटरेस्ट लिटिगेशन, एक सेक,